आम आदमी पार्टी राजिम द्वारा विगत 9 दिसंबर से जारी आमरण अनशन एसडीएम राजिम के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। एसडीएम ने एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने की बात कही है। 3 दिनों में आपको कार्रवाई कर असर दिख जाएगा। जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन बंद करा दिया गया है। कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजिम, तहसीलदार राजिम, टीआई राजिम ने आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर राजा ठाकुर को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त करवाया है। एसडीएम ने कहा है कि जिले में हो रहे अवैध कांटिंग पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। जिले के खनिज अधिकारियों पर कलेक्टर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आप जिला अध्यक्ष राजा ठाकुर पिछले 8 दिनों से लगातार अवैध प्लांटिंग एवं पूरे जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के विरोध में अनशन कर रहे थे। पार्टी ने रेत माफियाओं एवं जिले के खनिज अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को बर्खास्त करने के साथ साथ भू माफिया एवं तत्कालीन पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन उप पंजीयन एवं एफआईआर दर्ज करने एवं अवैध प्लांटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं रेत उत्खनन व परिवहन पर रोक लगाने की मांग की थी। आरजे न्यूज ने भी लगातार जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन का समाचार दिखाते हुए प्रशासन से रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जो है आप लोग लंबा कर दे सर। नहीं नहीं, हम लोग वो है, हम लोग आप लोग सर्वे करा लेंगे और आप दे दीजिए, आपको जानकारी अच्छे से सर्वे करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।